हंगरी में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर लौटी मोखरा महम के मोखरा गांव की तन्नू मल्लिक का गांव में जोरदार स्वागत किया गया। इलाके के विधायक बल्लाज कुंडू ने तन्नू मल्लिक को अपनी ओर से 5,51,000 रुपए का नकद पुरस्कार देने का ऐलान किया। करीब आधा एकड़ जमीन के किसान तन्नू के पिता राजबीर प्राइवेट स्कूल बस पर ड्राइवरी करते हुए जैसे तैसे गरीबी से लड़ते हुए परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं और गरीबी एवं तंगहाली के बावजूद बेटी तन्नू मलिक ने अपने हुनर के बलबूते पर हंगरी में आयोजित वर्ल्ड कुश्ती प्रतियोगिता के 43 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। बेटी तन्नू मलिक को सम्मानित करते हुए विधायक बलराज कुंडू ने कहा, हमारी बेटी तन्नू कोहिनूर की जैसी है, मैं चाहता हूँ इस कोहिनूर को और चमकाया जाए ताकि आगे चलकर ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करते हुए हमारी ये बेटी समूचे विश्व में अपनी रोशनी बिखेरे और हमारे मोखरा गांव और हरियाणा के नाम को चार चांद लगाए। हमारा तो यही कहना है, हमारे गांव की हरियाणा की उसने इज्जत रखी, बहुत बड़ी बात है। और वो लड़की बहुत अच्छा खेलती है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करती है और समय में आती है, समय में जाती है। इसके अलावा कुंडू की तरफ से बेटी तन्नू मलिक को प्रतिमाह 10,000 रुपए डाइट के लिए अलग से दिए जाएंगे ताकि वो आगामी ओलंपिक के लिए बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर सके और गरीबी उसके रास्ते का रोड़ा न बन पाए। राजकुमार, टोटल न्यूज़, महम।